हेलो दोस्तों, मैं ममता सिंह और आप हैं ममता की लाइफ के चैनल पे। दोस्तों, मुझे पता है आज आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे वीडियोस का, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि मैं आपको अपना कोई डेली रूटीन तो दिखा नहीं रही हूँ। मैं आपसे चीज़ें शेयर करती हूँ अपनी, जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, मैं जो जानती हूँ, जो समझती हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो इसी तरह से मैंने कुछ दो तीन चीज़ें अभी आपको सिखाई हैं सिलाई के तौर पे। मैं इसमें थोड़ा सा बिनाई भी बताऊंगी। मैं इस ये बेसिकली मेरा एक ब्लॉग जो है, जिसमें मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगी। अभी मैं भी नई हूँ, मैं भी सब चीज़ें सीख रही हूँ। बच्चे मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। उस दिन मेरी बेटी ने जब मेहंदी लगाया, मैंने कहा यही मुझे लगाती है, तो मेरी बड़ी बेटी मुझे वहाँ से फ़ोन करके बोल रही है कि अच्छा, आज अब वो लगाने लगी तो उसका नाम लेती हूँ, इतने सालों तक तो मैं ही लगाती थी, अब मैं ज़रा 4 साल से बाहर क्या रहने लगी तो आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो बच्चों का होता है थोड़ा सा, वो चाहते हैं कि सबकी बातें हों। तो हालांकि मैं सबको बराबर मानती हूँ, सबको बराबर चाहती हूँ। उसे फ़ोन पे डेली बातें होती हैं, वो भी फ्री होती है जब क्लास में या मॉर्निंग में जब वो कॉलेज जा रही होती है, तो मुझसे बातें करती रहती है। तो स्टिचिंग बहुत अच्छी चीज़ है, घर बैठे आप बहुत सी चीज़ें उससे सीख सकती हैं। मैं उसको बताऊंगी आगे, थोड़ा कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अभी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं ठीक से मेरे पास अभी है। मैं अभी जहाँ रहती हूँ, ये मेरा 2 रूम का फ्लैट है, बहुत छोटा सा है इस, और इसमें रह थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करने में ज़रा सा टाइम लगता है। और मैंने इसीलिए अपना ये ब्लॉग शुरू किया कि मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन का कुछ थोड़ा बहुत जो बता पाऊँ, और आप लोगों से जानना चाहूँ कि क्या क्या किया जा सकता है मॉर्निंग टू नाइट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोग करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, बहुत से लोग बताते हैं। मैं अक्सर लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मैं सबके जब मुझे टाइम मिलता है मैं बैठ के सबका देखती हूँ, लाइव शो देखती हूँ। लाइव नहीं देखती हूँ, बाद में जो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं वो मैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे मॉर्निंग से बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जनरली हाउसवाइफ हैं वो जानती होंगी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हाउसवाइफ दिन भर करती रहती हैं, और काम तो ऐसा होता है कि जब आप करिए कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो इधर जब से मैं इस चैनल से जुड़ी, तब से मेरा थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पा रहा था, थोड़ा मैं बिजी भी बहुत हो गई थी, बाहर जाना पड़ जा रहा था शाम को, फिर कुछ आना जाना इधर उधर, तो मैं उस वीडियो को बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरा बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे उसको थोड़ा सा कई बार में मैं उसको थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आता है कि नहीं मैं डिटेल में बताऊँ, वो चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। और ये भी है कि कभी कभी किसी के क्वेश्चन आते हैं कि जब आप फंदे इंक्रीज़ करती हैं तो डिज़ाइन को कैसे सेट करती हैं, और कैसे फंदे बढ़ाती हैं स्लीव में, या कैसे आप मेज़रमेंट वगैरह लेती हैं। तो स्वेटर का बेसिकली मेज़रमेंट लेना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि आप बॉडी से एक पर्टिकुलर नाप लेके कपड़े की स्टिचिंग कर सकती हैं, स्वेटर नहीं बना सकती, क्योंकि स्वेटर हाथ से जब हम बिनते हैं, रेडीमेड की बात मैं नहीं कहूँगी, रेडीमेड में अलग अलग क्वालिटी आती है, तो वो आप बॉडी फिट मतलब कई नंबर से आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लूज रखना हो, बॉडी फिटेड लेना हो। लेकिन जब हम हाथ से स्वेटर बिनते हैं तो हमारा जो एक मेजरमेंट होता है उस हिसाब से हम स्वेटर एक आइडिया के हिसाब से हम चलते हैं। तो मैं जेंट्स का, मैं जो अपने हस्बैंड का स्वेटर अक्सर बनाती हूँ, या नॉर्मली जनरली मैं जो स्वेटर्स बनाती हूँ, तो एक एज के बाद, एक नॉर्मल एज आप मान के चलिए कि 40 से 42 44 तक के चेस्ट के लिए मैं फंदे बॉर्डर में 100 डालती हूँ, क्योंकि यूज़ करते करते वो बॉर्डर फिर फैल जाता है, तो बॉर्डर अगर फैल जाए फिर स्वेटर लटकने लगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता।
और उसके ऊपर पीछे के पल्ले में मैं 110 रखती हूँ। 110 फंदे इतने काफ़ी होते हैं। अगर कोई ज़्यादा एक्सल डबल एक्सल में है तब आप 120 130 फंदे रखिए, डिपेंड करता है कि ऊन कैसा है। मैं जनरली जो ऊन लेती हूँ वो मेरा जो बर्धमान का मैं रैबिट ऊन लेती हूँ, या मैं जो लच्छी वाला लेती हूँ या बॉल वाला लेती हूँ, तो वो 2 प्लाई होता है। और बच्चे के लिए जब मैं बनाती हूँ तो वो मैं बेबी वूल लेती हूँ, वो 4 प्लाई का वूल होता है। तो मुझसे भी एक लोगों ने पूछा कि 6 प्लाई का ऊन, तो 6 प्लाई का ऊन, फिर मैंने उनसे पूछा कि वो मोटा है कि पतला है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसा है, आप टाइट हाथ चलाती हैं, लूज हाथ चलाती हैं, आप सिलाई कौन सा यूज करेंगी। क्योंकि मैं जो ऊन यूज करती हूँ मैं 9 नंबर की सिलाई पे बिनती हूँ, लेकिन बहुत लोगों के हाथ अगर टाइट होते हैं तो वो उसको 8 नंबर की सिलाई पे भी बिनते हैं, या जिनके लूज होते हैं वो बॉर्डर वगैरह, जैसे मैं 10 नंबर से बॉर्डर बिनती हूँ और ऊपर 9 नंबर से बिनती हूँ। बेबी वूल भी नॉर्मली मैं, अगर थोड़ा सा एक आध ऊन बहुत पतला होता है, एक थोड़ा सा मोटा होता है, तो मैं 9 नंबर से बिनती हूँ, और अगर बहुत पतला है तो मैं 10 11 नंबर से बॉर्डर और ऊपर 10 नंबर से। तो ये सब थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बिनते बिनते आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जो नया नया सीखता है उसको थोड़ा सा सिलाई वगैरह का दिक्कत होता है। मेरी बेटियाँ भी छोटी थी तो मेरे संग ऊन सिलाई लेके बैठ जाती थी, तीनों की लड़ाई होती थी, हमें नहीं मिला हमें नहीं मिला, जो भी मेरा ऊन सिलाई मिल गया लेके बनाना है बनाना है। मैंने फिर गोला वगैरह दिया कि हाँ ठीक है लो सीखो, वो थोड़ी दिन का शौक था, अब वो बनाती नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और स्टिचिंग का है मैं बताऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे सेटिंग करनी पड़ रही है, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ दरवाजे के पास बैठ के ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो अब स्टिचिंग का है कि ड्राफ्टिंग वगैरह तो मैं खुद से बता दूँगी, लेकिन पेपर वर्क जो है मैं बता दूँगी, लेकिन कपड़ा वगैरह काटने के लिए मुझे एक हेल्पर चाहिए होगा। तो जिस दिन मेरी बेटी घर पे रहेगी तो उस दिन मैं जब निशान वगैरह लगाऊँगी अगर कपड़े पे, तो वो आपको अच्छे से वो कैमरा मूव करके दिखा देगी, तो आपको वीडियो सही से समझ में आएगा। और मैं अगर एक एंगल पे लगा के एक फ्रेम में या स्टैंड पे लगा के अगर आपको दिखाऊं तो हो सकता है कि वो दूरी उतनी ना ठीक से सेट हो, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। जो हाथ से चीज़ें वो तो मैं छोटे वाले स्टैंड पे लगा के वो कैमरे के नीचे से दिखा देती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग वगैरह कपड़े पे मैं करूँगी तो उसको करने के लिए आपको मुझे एक हेल्पर चाहिए होगा। तो मेरी बेटियों की जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन मैं चाहूँगी कि आपको मैं कपड़े पे निशान वगैरह लगा के सिखा सकूँ। तो अभी मुझे पेटीकोट भी बनाना है, तो वो मैं जब बनाऊँगी तो वो मैं आपको निशान लगा के बता दूँगी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। और पिलो कवर भी मैं बताऊंगी, पिलो कवर पेपर वर्क मैं बता दूंगी, लेकिन उसके लिए अभी पिलो कवर के लिए मेरे पास अभी कपड़े नहीं है, तो वो कपड़ा जब मैं ले आऊंगी तो मैं आपको कट करके और फिर मशीन एडजस्ट करके फिर मैं बता दूंगी कि सिलाई, मैं हाथ वाली मशीन से सिलाई करती हूँ, तो मैं आपको सिखा दूंगी बता दूंगी कि हम लोग कैसे सिल सकते हैं। और आज एक चीज़ और दिखाना था कि मैंने कुछ सामान देखे, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये मैंने ट्राइपॉड मंगवाया है, अभी मैंने इसको खोला नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के संग मैं शेयर करूं और ये देखूं जरा कि ये होता कैसे है। अभी बच्चे रहते तो बच्चे खुद ही खोल के सारा देख डालते कि ये क्या है कैसे है, तो वो अभी आएंगी जब स्कूल से, तब तक मैंने सोचा मैं खुद ही इसको कर लेती हूं। मैं ज़रा देखती हूं ये कैसे, इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा रहती है कि समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से कट करें। तो ये मैंने स्टैंड लिया है, ट्राईपॉड लिया है, जैसे कि मैं बेसिकली आपको अपनी और भी चीज़ें एडजस्ट करके रख के दिखा सकूं। तो ये मैं इसका टेप बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आज ही ये आया है, थर्सडे को ही आना था यानी कल, आज है फ्राइडे। आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी भारी थी क्योंकि थर्सडे मैं फास्ट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं और वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल डबल मेहनत करनी होती है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज मैं इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ और मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करती हूँ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा तो
जो ये व्लॉग है वो वीडियो की तरह बन रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ ताकि आप लोग भी मुझे बताते रहें कि क्या चीज़ मुझे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करिए मेरे चैनल के बारे में, जिसे जितनी ज़्यादा लोग जानेंगे फिर वो बताएंगे कि मैं कैसे क्या करूं, तो वो मुझे समझ में आएगा। ये देखिए इसकी पैकिंग इस तरह से किया हुआ है, डबल पैकिंग है। और ये ज़्यादा टेप लगा हुआ है, पहले ये कल ही आने वाला था, फिर मैसेज आया कि ये संडे को इसकी डिलीवरी होगी, फिर आज उन्होंने भेज दिया, सुबह ही मैसेज आया। तो मैंने सोचा मैं ये आप लोगों के संग ही शेयर करूं कि कैसा है। आजकल चीज़ें लेनी कितनी आसान हो गई है, आप घर बैठे अपना ऑनलाइन कोई भी सामान मंगा सकती हैं। ये देखिए मैंने लिया है कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकूं, बता सकूं इस तरीके से। ये इसका बैग है छोटा सा, और ये सेटिंग वगैरह मैं करवाऊंगी, मेरी बेटियां आएंगी तो मुझे बहुत वो लगता है करना कोई भी चीज़, तो ये सब चीज़ मैं। अच्छा ये इतना बड़ा है हो जाएगा ये सब चीज़, क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत। अच्छा एक और है, मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे बाहर की रोशनी में बैठना पड़ता था, अंदर के लिए फिर मुझे बहुत थोड़ा सा वो करना पड़ता था कि मैं किस तरह से इसको फिर करूं। तो ये चीज़ देखिए ये इतना बड़ा, ये मैंने इसीलिए मंगवाया है पूरा स्टैंड, तो ये सारा बच्चे आएंगे देखेंगे उसको। और एक मैंने मंगवाया है ये सब मेरी बेटी करती है, वो वहीं से उसने ऑर्डर कर दिया था सामान, यहाँ चला आया। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं ज़्यादा ये टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं जानती, तो ये सब चीज़ लैपटॉप वगैरह मैं जल्दी नहीं छूती, फ़ोन भी स्टार्टिंग में मैं जल्दी नहीं चलाती थी, क्योंकि ये होता था कि नहीं मेरा हो जाएगा, हम सीख लेंगे उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, इस तरह से हम नहीं करेंगे, हमें नहीं अच्छा लगता। तो कुछ ये होता है ना कि अपनी चीज़ें जब रहेंगी आप उसको यूज करेंगी, तो ये जो आता है ये मेरी बेटियों को बहुत अच्छा लगता है, लेके वो सब टिप 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 करती रहती हैं। ये मैंने एक माइक मंगाया है ये देखिए, ताकि आवाज़ क्लियर आए। ये सब चीज़ें थोड़ी सी, जब ये सब करना है तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और मैं सीख रही हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं और क्या कैसे करूँ जैसे कि चीज़ें और आसानी से हो सके। और कहीं कुछ, ये देखिए माइक है, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आप मुझे सिखाइएगा, कि मैं सबसे अनुभव लेना चाहूँगी कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो टाइम फ्री होता है मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे मैं आप लोगों से बातें करूँ, आप लोग मुझे बताइए सिखाइए समझाइए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब आप अकेले होते हैं, मैं लगभग बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, मैं अपने घर में ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ, अगल बगल जो लोग हैं अगर बाय चांस कोई सामने दिख गया बोल दिया तो मैं बोल लेती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होती हूँ।
मुझे चार लोगों के संग बैठ के बात करना बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि बातें ऐसी होती हैं कि आप कभी कुछ कह दीजिए और किसी को बुरी लग जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं बहुत क्लोज़ रहती हूँ, अगल बगल भी मैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं अपनी इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहती हूँ और मुझे ये सब चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपसे यही शेयर करना था, ये जो मैंने स्टैंड मंगाया है कि आप देखिए ये कैसा है, और ताकि मुझे आगे आसानी हो आप लोगों से और चीज़ें शेयर करने में, बताने में। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।